वहीं लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आज पांचवें चरण के लिए लगातार वोटिंग जारी है। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर आज सुबह से मतदान हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़े बड़े दिग्गज नेता भी आज मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही बता दें कि जेसीपी एलओ उपेंद्र अग्रवाल ने भी अपना मतदान किया है। बूथ नंबर 421 गोमती नगर विस्तार में वो अपना मतदान करते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भी मतदान किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यूपी में आज उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक भी मतदान केंद्र पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि वो भी आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। आज पांचवें चरण में 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूपी से, जहां बृजेश पाठक भी मतदान केंद्र पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और कई बड़े दिग्गज नेता अपना मतदान कर चुके हैं। इसी क्रम में जेसीपी एलओ उपेंद्र अग्रवाल ने भी मतदान किया है। साथ ही बता दें कि बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भी अपने मतदान का प्रयोग किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है। बृजेश पाठक को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो मतदान केंद्र पहुंचे हैं और कुछ ही समय में वो भी अपना मतदान देंगे। यूपी के 14 लोकसभा सीटों पर आज पांचवें चरण में वोटिंग हो रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीधी तस्वीरें आपको यूपी से दिखा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक भी मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं। साथ ही कई बड़े दिग्गज नेता अपना मतदान कर चुके हैं। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भी मतदान दे दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आज पांचवें चरण के लिए मतदान हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद दो चरण और हैं और 4 जून को नतीजे आएंगे और सभी प्रत्याशियों की किस्मत इस वक्त दांव पर लगी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय में वो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। पांचवें चरण के लिए आज सुबह से ही वोटिंग जारी है और कई बड़े दिग्गज नेता आज चुनावी मैदान में प्रत्याशी के रूप में सामने हैं। वहीं कई बड़े दिग्गज नेता अपना मतदान भी दे चुके हैं।